यूं तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य व केंद्र सरकारें आम जनता को जागरूक करने के साथ साथ सरकारी विभागों व कार्यालयों में समय समय पर लाखों रुपए खर्च कर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तहसील कार्यालय सांबा का उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तहसील कार्यालय सांबा के अंदर शौचालय पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ा है। ऐसे में वहां पर आने वाले लोगों को शौचालय बंद होने के चलते खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे स्वच्छ भारत अभियान की सरेआम अवहेलना हो रही है। परंतु प्रशासन मूक दर्शक बन सब देख रहा है। गंदगी बहुत है और हमारे पास इधर तहसील ऑफिस में बुजुर्ग आते हैं, लेडी बुजुर्ग आती हैं, जो काम करने के लिए किसी को बाथरूम वगैरह जाना हो तो बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई इधर नहीं है। जहाँ तक इवन के हमारे हमारी कोठे हैं इधर, 2 लैब्स पर बैठे तहसीलदार, हमारे एरिए में इधर कोई बाथरूम वगैरह नहीं है। सांबा तहसील की इतनी हालत बुरी है ना, अगर कोई बेचारा बाहर से आदमी को जाता है तो वो बाथरूम के लिए जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो इतनी गंदगी है वहाँ वहाँ तो जाने का दिल नहीं करता, वो क्या करे। ये काफ़ी देर से मेरे बंदी है, जब से मैं आया हूँ तब से ये बंदी देखा, लेकिन मैंने 2-3 बार म्यूनसिपलिटी वालों से बात की थी, म्यूनसिपलिटी वाले आए थे, उनको देख कर गए थे, उसके बाद फिर आगे उन्होंने कुछ कार्रवाई अभी की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।